गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी सर, थैंक यू वेरी मच कि आप सबने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके साथ अपने विचार शेयर कर सकूं। सर, जो मेरा टॉपिक है सर, वो है कि मैच्योरिटी इंडेक्सेस एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ बियर, के जो नाशपाती है उसकी तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उसमें तुड़ाई के बाद कैसे उसकी संभाल करनी चाहिए। So, जैसे आपको पता ही है कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं हमारी, जो बागवानी की फसलें हैं, वो जब हम उनको तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद भी वो तो वो तुड़ाई के बाद भी वो सांस लेती हैं, वो जिंदा रहती हैं और उसमें जो उसकी जो डिटेरियोरेशन होती रहती है तोड़ने के बाद। सो उन क्रॉप्स को जब तक हम अच्छे से संभाल नहीं देते और उसको अच्छे से पैक नहीं कर देते और उसको अच्छे टेम्परेचर पे नहीं रख देते, तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो फूड वैल्यू हो, वो कम हो जाती है और उसमें जो उसकी जो क्वांटिटी होती है उसका भी लॉस होता है और जो क्वालिटी होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो उसकी उसको अच्छे तरीके से उसकी हैंडलिंग करनी, जिसको हम सांभ संभाल बोलते हैं, वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर उसकी सांभ संभाल नहीं होगी तो वो कुछ महीने में और कुछ दिनों में और कुछ घंटों में उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। तो ये हमारे जो कटाई के बाद होने वाले नुकसान है, जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बोलते हैं, सबसे पहले मैं ये आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि उसके कारण क्या है, जो जो हमारे फलों में लॉस हो जाता है तोड़ने के बाद, नुकसान हो जाता है, खराब हो जाते हैं, तो उसके क्या क्या वजह हो सकती है। पहला ये है कि जो हमारा मैकेनिकल डैमेज हो जाता है, जो जिसको हम कहते हैं कि जब हम उसकी तुड़ाई करते हैं, जहाँ हम उसकी सांभ संभाल करते हैं, जिसको हैंडलिंग बोलते हैं, उसके लिए हमारे जो किसी पे कट लग गया, कोई कट जाता है, कोई गिर जाता है और किसी के ऊपर जख्म हो जाता है, जो जहाँ कहते हैं चोट लग गई फल के ऊपर, तो इसको हम मैकेनिकल डैमेज में बोलते हैं, जो किसी मशीनरी की वजह से खराब हो जाता है। दूसरा होता है कि लैक ऑफ कोल्ड चेन, जैसे जो हमारे कोल्ड स्टोर्स हैं, कोल्ड चेन्स हैं, उनकी कमी है हमारे पास, क्योंकि हम जैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फलों की, तुड़ाई करने के बाद कहीं लेके जाने हैं, ढोआ ढुआई करनी है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी फ्रिज का इंतजाम हो या किसी लो टेम्परेचर मेंटेन करने की हमारे पास सुविधा हो। तो तीसरा है जो मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल डिटेरियोरेशन, इसमें जैसे हम कहते हैं कि जैसे फल कोई सांस लेता है तो उसमें से पानी भी इवेपोरेट होता है, जो फल है वो सुंगड़ जाता है, सुकड़ जाता है, तो उसमें जो रेस्पिरेशन के थ्रू, सांस की क्रिया के थ्रू या पकाई के दौरान जो उसमें प्रॉब्लम आती है, उसको हम फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक डिटेरियोरेशन कहते हैं, उसकी वजह से ये जो है नुकसान हो जाता है। आगे तो है कि कुछ जो हम फ्रूट को स्टोर कर देते हैं तो उसमें कुछ लॉसेस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिजीजेस की वजह से हो गया, कि बीमारी लग गई है फल को, जब हम स्टोर करते हैं तो फल को बीमारी लग जाती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें कहते हैं कि जो फलों की स्टोर में रॉटिंग हो गई है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। और आगे लैक ऑफ मार्केट डिमांड, सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम किसी फल की तुड़ाई कर लेते हैं, जैसे नाशपाती की आजकल तुड़ाई चल रही है, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कई बार उतनी मार्केट नहीं होती, कि मंडीकरण नहीं हो पाता उसका, जैसे इसका कई बार प्राइस, जो मार्केट का जो प्राइस है, रेट है, वो गिर जाता है और हम उस कम रेट पे अपनी फसल नहीं बेच सकते, तो उसमें क्या होते हैं कि मंडी में बहुत ज्यादा हड़ आ गया, ग्लट आ गया किसी फसल का, तो उसके दौरान जो हमारी जो मंडी में जो कहते हैं कि उसकी डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई है, तो उसकी वजह से जो मांग कम होने से जो हमारा ज्यादा वादू फल होता है, जिसको हम कहते हैं कि सरप्लस फल होता है, वो हमारा वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। सो उन सबको कम करने के लिए, इन पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारे कटाई के बाद जो नुकसान होता है फलों का, उसको कम करने के लिए हमें कुछ एक पूरी चेन है जिसमें अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जिसको स्टेजेस बोलते हैं, कि हमने फल को जब तोड़ना है तो उसके बाद क्या क्या करना है ताकि वो सुरक्षित रहे और हमें अच्छी मार्केटिंग के लिए, अच्छा मंडी करने के लिए अच्छा रेट मिल सके। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट चेन है, उसमें सबसे पहले होता है हार्वेस्टिंग, के फल की तुड़ाई कैसे करनी है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है, स्टेप हो है, जिसको हम प्री कूलिंग बोलते हैं। प्री कूलिंग का पंजाबी अगर हिंदी में हम करें तो कि तुड़ाई के बाद फल को ठंडा किया जाता है। जब हम कोई भी फल तोड़ते हैं तो उसको डायरेक्ट कभी भी किसी डब्बे में या किसी कमरे में बंद मत करो, उसको पहले ठंडा कर लो, क्योंकि जब हम फील्ड में तोड़ के लाते हैं बाग में, तो उस पर टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है,
तो इसलिए उसको ठंडा करना बहुत जरूरी है। और अगला स्टेप है वो है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग की, जब हमने फल को तोड़ा है तो उसको अलग अलग ग्रुपों में, श्रेणियों में बांटना होता है उसके साइज के आधार पे। जो बड़े फ्रूट हैं, जो मीडियम हैं, जो स्मॉल फ्रूट हैं, उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में बांट लें। और अगला स्टेप होता है पैकेजिंग, तो फल को कैसे पैक करना है, उसको डब्बे में कैसे बंद करना है, कौन से डब्बे हमें चाहिए, अलग अलग ग्रेड के फ्रूट अलग अलग डब्बे में पैक होने चाहिए। और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन की हमने ढुआ ढुआई करनी है, फल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। और वो दूर दूर मंडी दूर भी हो सकती है, लोकल मंडी भी, स्थानिक मंडी भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से हम ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप होता है हमारा स्टोरेज, कि अगर हमने फल को, हमारे पास ज्यादा फल है, हमने स्टोर करना है उसको कहीं बाद में ऑफ सीजन में सेल करना है, तो हमें स्टोरेज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो हार्वेस्टिंग, जो तोड़ाई है फलों की, वो सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक कदम है। अगर हमारी तोड़ाई गलत हो गई फल की, तो उसको कोई भी ट्रीटमेंट बचा नहीं सकती, उसको हम दूर की मंडी में नहीं लेके जा सकते, उसको लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम खा ही सकते हैं घर पे। तो जो तोड़ाई है फल की, वो बहुत ध्यान से करनी चाहिए। तो अगर तोड़ाई करनी है तो उसके लिए हमको दो तीन जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले कि तोड़ाई कब करनी है, किस किस स्टेज पे करनी है, दूसरा है कि तोड़ाई कैसे करनी है, और तीसरा है कि तोड़ाई के बाद फल को कैसे हमने कहाँ पे रखना है। तो जो जो सबसे पहले है कि तोड़ाई कब करनी है, कि जब भी कोई हमने फल तोड़ना है, जैसे नाशपाती का आजकल बारिश हो रही है तो हमने फल तोड़ना है, तो सबसे पहले हमें टाइम पता होना चाहिए कि दिन के किस हिस्से में हमने तोड़ाई करनी है। कभी भी जब फ्रूट गीला हो, जब बारिश होके हटी हो, तभी फ्रूट की तोड़ाई नहीं करनी चाहिए। फ्रूट की तोड़ाई सुबह या शाम को करनी चाहिए। अगर सुबह और शाम करते हैं फ्रूट की तोड़ाई, तो उसके हिसाब से फ्रूट पे ऊपर दिन की गर्मी का असर कम होगा। अगर हम जो गीला फ्रूट है तोड़ लेते हैं, तो उसमें उल्ली लगने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगला है कि सुबह और शाम करनी चाहिए। उसके बाद जो है, जो तोड़ाई है नाशपाती की, वो डायरेक्ट हाथों से होती है, जैसे बाकी फ्रूट्स में हम कहते हैं किन्नू वगैरह में कि जो तोड़ाई है वो क्लिपर से करो, फल तोड़ने वाली कैंची के साथ करो। आम में भी हम कहते हैं कि कैंची के साथ तोड़ाई करनी चाहिए, पर नाशपाती में जो तोड़ाई है वो हाथ के साथ ही होती है। और तोड़ने के बाद कभी भी फल को, ये नहीं कि फल तोड़ा और फेंक दिया टोकरी में, ऊपर से तोड़ के टोकरी में फेंक दिया। जब तोड़ाई गलत हो जाती है तो बहुत सारी फल के ऊपर चोट लग जाती है, जिसको हम कहते हैं कि इंजरी आ जाती है फल के ऊपर, अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हाथ में कोई टोकरी वगैरह लेके फल की तोड़ाई करनी चाहिए। और कभी भी तोड़े हुए फल को डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, उसको हमेशा किसी दरख्त की छांव के हेठा रखो जो आपने फ्रूट तोड़ के रखा है। सो तोड़ाई के लिए, जब हमने नाशपाती की तोड़ाई करनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारा फल तैयार है या नहीं है। और उसका हमें पता चल जाता है कि हमारा फल तैयार है या नहीं है, जब अगर हमें उसका पता होगा मैच्योरिटी इंडेसेस का, मैच्योरिटी इंडेसेस के फल के पकने की निशानियां क्या है। हमें कैसे पता चलता है फल को देख के कि ये पक गया। नाशपाती में जो है इसका जो रंग है फल का, वो हमें बता देता है कि फल अब पक गया। जब नाशपाती कच्ची होती है तो उसका रंग गूढ़े हरे रंग का होती है, और उसके बाद जब वो पकनी शुरू हो जाती है तो उसका रंग हरे से हल्का पीला होना शुरू हो जाता है, कि हरे रंग में बीच में पीला रंग आना शुरू हो जाता है। तो गूढ़े हरे से हल्की पीले और ग्रीन मिक्स रंग की हो जाती है। और जैसे हमें पता चल जाता है, तो पत्थर नाक जब लगती है, इसका फ्रूट लगता है, तो 145 दिन के बाद इसका फ्रूट तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ वैरायटियां जल्दी आती हैं, कुछ वैरायटियां लेट आती हैं। तो जो पत्थर नाक है वो 145 दिन में तैयार हो जाती है, जो बग्गू कोशा एंड पंजाब ब्यूटी हमारी वैरायटी है वो 135 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। जो पंजाब नाक है और जो पंजाब नेक्टर एंड पंजाब गोल्ड है हमारी वैरायटी, वो 140 दिन में तैयार हो जाती है।
तो अगर हमें पता है कि फ्रूट कब लगा है तो हम 145 दिन के बाद, 140 दिन के बाद, 135 दिन के बाद वैरायटी के आधार पे उसको, तो ये हमारे हार्वेस्टिंग कुछ मेथड्स हैं, क्योंकि पेड़ में जो हार्वेस्टिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नाशपत्ती की तुड़ाई है वो बहुत गलत तरीके से हो रही है, जैसे हमारे पंजाब में जो तुड़ाई करते हैं नाशपत्ती की, देखिए जो नाशपत्ती का फल है, जैसे पहले डॉक्टर पीपीएस गिल ने बताया था कि इसका फल जो खुंगर पे लगता है, जिसको हम स्पर बोलते हैं, उस खुंगर पे इसका फल लगता है, और जब हम इसको खींच के तोड़ लेते हैं, जो नीचे वाली पिक्चर है वो हमने बताया है कि जो रॉन्ग मेथड ऑफ जो गलत कटाई की गई है पेड़ की, तो देखिए जो पेड़ का फल है वो खुंगर पे लगता है, जब हम पेड़ को खींच के तोड़ लेते हैं नाशपत्ती को, जब खींच के तोड़ लेते हैं तो उसका जो स्पर है, खुंगर है, वो साथ में टूट जाता है। और ऐसे ही जो ऊपर वाली तस्वीर हमने दिखाई है, पिक्चर दिखाई है, वो सही मेथड है, उसमें है कि आप नाशपत्ती को पकड़ के अपने हाथ में पकड़ो और उसको ऊपर की तरफ ले जाओ और उसको हल्का सा एक ट्विस्ट कर दो, उसको हल्का सा मरोड़ा दे दो तो वो टूट जाएगी। अगर आप खींच के तोड़ेंगे तो उसके जो स्पर्स हैं, कुंगर्स हैं, वो साफ आ जाएंगी, और अगर आपका स्पर टूट जाता है तो अगले 7-8 साल के लिए आपका झाड़ कम हो जाएगा, क्योंकि जो नाशपत्ती है उसने स्पर पे ही लगना है। अगर वो स्पर टूट गया तो अगले 7-8 साल के लिए आपका बाग की जो आमदन है वो कम हो सकती है। तो जो नाशपत्ती की तुड़ाई है वो बिल्कुल सही ढंग से करना चाहिए, कभी भी खींच के फूट नहीं तोड़ना चाहिए, इसको हाथ में पकड़ो और ऊपर की तरफ मोड़ के हल्का ट्विस्ट कर दो, हल्का सा उसको मोड़ा दे दो तो अपने आप टूट जाएगी। इसको हार्डली 2 सेकंड में तोड़ा जा सकता है। तो ये है हार्वेस्टिंग एंड हैंडलिंग। जैसे ये क्रेट्स हैं, हम प्लास्टिक के क्रेट्स यूज करते हैं, जब तोड़ा हुआ फ्रूट होता है तुड़ाई के बाद उसको क्रेट्स में फिल करते हैं। तो जब क्रेट्स हमने तोड़ने हैं तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जो क्रेट्स हैं वो पूरी तरह से साफ होने चाहिए अंदर से। कई बार क्या होता है कि क्रेट्स में बहुत सारी फंगस लगी होती है, पुराने गले सड़े फलों के निशान होते हैं तो उसमें फंगस आ जाती है, तो इन दैट केस जो क्रेट्स हैं प्रॉपरली साफ करके रखने चाहिए, और तोड़ने के बाद कभी भी फल को और क्रेट्स में भर के धूप में नहीं रखना। तो देखिए ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये हमने आपको दिखाया था, जो अगर हम राइट हैंड साइड जो पिक्चर है हमारी, तो उस पे है जो क्रेट्स हैं, जो क्रेट्स की ओवरफिलिंग की हुई है, क्रेट्स लोड से ज्यादा भरे हुए हैं। अगर इतना क्रेट भरोगे तो नीचे वाले फ्रूट जो उनके खराब होने के चांस जाते हैं। ये 26 किलो का क्रेट है और इसमें 22 किलो फूड डालना चाहिए, और जब ओवर फिलिंग कर देते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर है वो शो कर रही है कि जो फ्रूट्स हैं वो हमने क्रेट्स तोड़ के धूप में लाइन लगा के रखे हुए हैं, तो ऐसे फ्रूट्स को हम अगर धूप में रखेंगे तो उनको उनकी स्टोरेज के चांसेस या दूर की मंडी में लेके जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो ये देखिए, ये हमारे लोकल ठेकेदार की फोटोग्राफ्स हैं, जो जैसे फ्रूट्स को तोड़ते हैं ऐसे ढेर लगा के फ्रूट्स को रखते हैं, तो ये एक बहुत गलत तरीके से हैंडलिंग हो रही है। जो नीचे वाला फ्रूट होता है वो सारे का सारा गल जाता है, और नीचे जो ढेर के नीचे फ्रूट रहेगा उसमें हवा भी नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और नीचे फंगस लग जाएगी। सो कभी भी फ्रूट को ऐसे ढेर में नहीं रखना, उसको ऑलवेज हमेशा उसको जो क्रेट्स हैं उसमें डाल के रखना चाहिए। सो अगला जो हमारा ट्राई के बाद हमारा होता है प्री कूलिंग। प्री कूलिंग में होता है कि फल को ठंडा करना, जब हम तुड़ाई कर लेते हैं तो फल को ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि उसमें से जो खेत की गर्मी, बाग की गर्मी होती है वो निकालनी पड़ती है। अगर हम बाग की गर्मी नहीं निकालेंगे, ऐसे ही फ्रूट को ला के डब्बों में पैक करके स्टोर कर देंगे तो वो सारा फ्रूट गल जाएगा, उसकी स्टोर में लाइफ बहुत कम हो जाएगी, वो अगर मंडी तक जाते जाते भी फ्रूट गल जाएगा। और उसमें क्योंकि जब फ्रूट को तोड़ते हैं उसका टेम्परेचर हाई होता है बाग का, तो दैट टाइम उसकी जो साह क्रिया है बहुत तेज हो जाती है, तो हमें फ्रूट को ठंडा कर लेना चाहिए ताकि उसमें से जो पानी की जो पानी उड़ता है उसमें से वो कम हो जाएगा, उसकी साह क्रिया कम हो जाएगी, और उसमें जो पकने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो भी कम हो जाएगी, और ऐसे फ्रूट को आप ज्यादा देर के लिए स्टोर कर सकते। और हमने फल को कैसे ठंडा करना है ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर रही हूँ। तो ये कुछ मेथड्स हैं हमारे प्री कूलिंग के। सबसे पहले कि हमने फल को कैसे ठंडा करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे फल का स्वभाव कैसा है,
उसको उसको पैक हमने किसमें करना है, वो कितना फल बहुत बड़ा है या छोटा है, और आगे होता है कि हमारे पास पैसा कितना है, हम कौन सी मशीन लगा सकते हैं फल को ठंडा करने के लिए, तो उसके हिसाब से हमें जो फल को ठंडा तरीका है वो चूज करना पड़ता है। सो हमारे जो प्री कूलिंग के मेथड्स हैं वो हमारे डिफरेंट तीन मेथड्स होते हैं। एक होता है रूम कूलिंग। रूम कूलिंग आप कर सकते हैं जो कमरे में हम ठंडा कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमारा एक खुला हवादार कमरा होना चाहिए, एक तरफ से हवा जाए दूसरी तरफ से निकल जाए। उसके लिए हम जो हमारे कूलर होते हैं डेजर्ट कूलर, जैसे हम घर में कूलर यूज करते हैं ठंड के लिए, वो कूलर भी यूज कर सकते हैं, पंखा भी यूज कर सकते हैं, और हवादार कमरे में रख के हम अपनी फसल को ठंडा कर सकते हैं नाशपाती को। ये हम ज्यादातर इसलिए करते हैं कि हम अपने खेत में ही फल को ठंडा कर सकते हैं रूम कूलिंग पे। नेक्स्ट है फोर्स्ड एयर कूलिंग। तो उसमें क्या आ जाता है कि जैसे हम हवा का प्रेशर बना देते हैं, इसके लिए हमें एक स्पेशल चैम्बर चाहिए होता है जिसमें एक प्रेशर के साथ जो इसमें क्या होता है कि डब्बे में हम फल पैक करके रख देते हैं, और फल और जो डब्बे में मोरियां होती हैं उसमें हम एक प्रेशर के साथ हवा एक तरफ से जाती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज होती है और एक हमें स्पेशल चैम्बर बनाना पड़ता है जिससे ये हीट जो है निकल जाती है। इसमें फोर्स्ड एयर कूलिंग कहते हैं। बट इसमें क्या है, ये थोड़ा कॉस्ट इसमें काफी आ जाती है। तो अगर फार्मर लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ा कम यूज होता है, अगर हम ट्रेडर्स लेवल पे या बल्क लेवल पे यूज करें तो ये मेथड काफी कामयाब है। और थर्ड मेथड है हमारा हाइड्रो कूलिंग का। हाइड्रो कूलिंग होता है कि हमने फल को पानी में डुबो के ठंडा कर लेना है। उसके तीन तरीके हैं कि हमने सीधा पानी में डुबो दिया और उसके ऊपर पानी स्प्रे कर दिया, या सिंपली उसके ऊपर बहुत सारे ठंडे कोल्ड पानी में आइस कोल्ड वाटर में उसको डुबो दिया। So, ऐसे हम फल को ठंडा कर सकते हैं। नाशपाती का जो फल है उसको हम पानी में डुबोकर भी ठंडा कर सकते हैं। तो सर आगे है कि फलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटना। जो नाशपाती का फल है उसको हम साइज के आधार पे अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग श्रेणी का फ्रूट होता है उसको हमें पैक करने में मंडीकरण करने में काफी सहूलत मिल जाती है। तो जो अगर तो मशीन ग्रेडर है तो मशीन ग्रेडर से हम कर सकते हैं, नहीं तो हम नाशपाती को ज्यादातर अपने हाथों से ही ग्रेडिंग करते हैं। इसके लिए हम इसको लार्ज मीडियम और स्मॉल साइज में बांट लेते हैं। आगे है हमारी कुछ पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स होती हैं कि तोड़ने के बाद कुछ फलों की सुधाई करते हैं ताकि उसको हम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकें। जैसे हमारा पहले आता है कि फ्रूट की सफाई करना, फ्रूट सैनिटाइजेशन और वॉशिंग होती है। उसके लिए हम क्लोरीनेटेड वाटर यूज करते हैं। जो क्लोरीन वाला पानी होता है उसको हम उसमें फ्रूट धो लेते हैं, 100 ppm क्लोरीन वाटर बना लेते हैं, और उसकी जो pH है वो 6 और 7 के दरमियान होनी चाहिए। और जब हमने उसको फल को उसमें धोना है तो फल के साथ कुछ बहुत पत्ते डक्के नहीं होने चाहिए। तो जितने पत्ते ज्यादा होंगे उतनी उसकी जो क्षमता है पानी की वो कम हो जाएगी। तो इसको हम क्लोरीनेटेड वाटर के साथ वॉश करके फ्रूट को साफ कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। तो आगे आता है, आज आपने सबने सुना होगा कि फलों के ऊपर वैक्सिंग कर देते हैं, मोम चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर हमारे कुछ वैक्सीन हैं जो हमारे परमिसिबल हैं, जिसके लिए जो आप कहते हैं कि प्रमाणित कोटिंग्स हैं, प्रमाणित मोम है जो हम चढ़ा सकते हैं। मोम चढ़ाने से क्या होता है कि जो फल की सह क्रिया है उसमें कमी हो जाती है और फल के ऊपर एक चमक आ जाती है, जो फल में पानी उड़ता है, फल सुकड़ जाता है, वो भी कम हो जाता है अगर हम उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा दें। तो इसलिए हम फलों की जो वैक्सिंग है, एडिबल कोटिंग है, वो करते हैं। तो नाशपाती में हमने 2-3 तरह की जो कोटिंग थी, मोम थी, वो चढ़ाई थी। तो इसमें हमने यूज की थी, एक हमने बी वैक्स यूज की थी, एक काइटोसिन, एक एलोवेरा जेल। तो इसमें से हमें सबसे अच्छे रिजल्ट बी वैक्स के मिले थे कि अगर हम मधुमक्खी वाली मोम है वो नाशपाती के ऊपर चढ़ा देते हैं तो नाशपाती का जो रंग है वो ज्यादा लंबे समय तक स्टोर में अच्छा रह जाता है, वो बहुत ज्यादा पीला नहीं होता। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम देते हैं फ्रूट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए। उसके लिए हम कैल्शियम सॉल्ट यूज करते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे जिब्रेलिक एसिड, कुछ पॉलीएमीन, कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स, अलग अलग तरह के केमिकल हमने ट्राई किए थे PAU में। तो हमें सबसे अच्छे रिजल्ट कैल्शियम के मिले थे कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के घोल में फ्रूट
को डुबो देते हैं तो उससे उसकी स्टोर में स्टोर करने की जो आयु है या स्टोर की लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो आगे पैकेजिंग है, पैकेजिंग आपको पता है कि पैकेजिंग हम फ्रूट की करते हैं एक तो इसलिए कि उसको पैक जो पैक किया होता फ्रूट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में सेल में स्टोरेज में बहुत यूजफुल है, दूसरा जो फ्रूट है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो ये है कि हम जब पैकेजिंग करते हैं तो फ्रूट के ऊपर जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अटैक कम हो जाता है, फ्रूट में वेट लॉस कम होता है और उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है आफ्टर पैकेजिंग। इसलिए हमें पैकेजिंग बहुत जरूरी है फल की। तो ये हमने पैकेजिंग दिखाई हुई है पेयर की जो हम करते हैं, एक तो सिंपली जो कॉरूगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस में करते हैं पैकेजिंग पेयर की और एक ट्रे पैक करते हैं। जो कॉरूगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस हैं ये हम 4 किलो के वर्क यूज कर सकते हैं, पर इसमें कंडीशन ये है कि कोई भी बॉक्स यूज करो पर उसके एरिए के हिसाब से उसमें 5% हवा के लिए मोरी और गली होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि 5% वेंटिलेशन बहुत जरूरी है बॉक्स के आकार के हिसाब से। और जो ट्रे पैकेजिंग है इसमें हम जो फ्रूट है ज्यादातर हम जब सुपरमार्केट में फ्रूट सेल करते हैं तो हम ट्रे पैक करके फ्रूट को 8-10 दिन के लिए रख सकते हैं और इससे फ्रूट की लाइफ भी बढ़ जाती है, फ्रूट फ्रेश रहता है उसमें तो वो सुकड़ता कम है, उसमें जो मॉइस्चर लॉस है बहुत कम होता है और फ्रूट के ऊपर जो अपने फिंगर प्रिंट्स हैं हाथों के निशान नहीं लगते और सुपर मार्केट में इसका प्राइस अच्छा मिल जाता है। तो आगे कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम पैकेजिंग के लिए करते हैं। सबसे पहले कि कभी भी पैकेजिंग करनी है तो ओवर फिलिंग ना करो। दूसरा है कि कभी भी ये ना करो कि फ्रूट डब्बे में पैक करना है तो उसमें ये नहीं कि फ्रूट डब्बे के अंदर हिलता रहे वाइब्रेट करता रहे। तो अगर लग रहा है कि कहीं जगह खाली है तो वहां पे एक कागज फिट कर दीजिए ताकि फ्रूट डब्बे के अंदर वाइब्रेट ना करे हिले ना। तो आगे है कि जब हम डब्बे के अंदर कई बार क्या होता है कि हम लाइनिंग लगाते हैं कि जो कुशनिंग मटेरियल कहते हैं ताकि फ्रूट एक दूसरे के ऊपर दबाव मत डाले। तो फॉर दैट पर्पस हमें जो है सिंपल प्लेन पेपर लेना चाहिए। कभी भी जो हम न्यूज़पेपर यूज कर लेते हैं या जो राइस स्ट्रॉ है पराली है वो यूज कर लेते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर पराली यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारी फंगल इन्फेक्शन फ्रूट पे आ जाती है। अगर न्यूज़पेपर यूज करते हैं तो उसके ऊपर जो इंक होती है स्याही होती है वो बहुत जहरीली होती है जो और फ्रूट के ऊपर अपने रीप्रिंट भी छोड़ जाती है। तो कभी भी न्यूज़पेपर और स्ट्रॉ नहीं यूज करना चाहिए, हमेशा प्लेन पेपर जो है उसकी कांतरें ले लो चाहे फुल पेपर ले लो वो हम ऐसे कुशनिंग मटेरियल डब्बा पैक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आगे है हमारी स्टोरेज टेक्नोलॉजी कि हमने फल को कैसे स्टोर करना है ताकि वो लंबे टाइम के लिए रहे। तो इसके लिए हम 2-3 मेथड बरतते हैं। सबसे पहले कि लो टेम्परेचर स्टोरेज जिसको हम कहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज। अगर हम फ्रूट को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। सबसे पहले है कि उसमें जो है वेपोरेशन लॉसेस कम होते हैं, उसमें फिजिकल रेस्पिरेशन जो सांस क्रिया है वो कम हो जाती है, उसमें जो बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं जैसे शुगर का बढ़ना एकदम से शुगर बढ़ जाती जो शुगर का बढ़ाव है वो कम हो जाता है अगर हम कोल्ड स्टोर में रखते हैं फ्रूट को। जो फ्रूट की जो खोस्ता है वो बनी रहती है, फ्रूट जल्दी से ढीला नहीं पड़ता और उसमें और फ्रूट जो है वो सुकड़ता भी कम है अगर हम उसको कोल्ड स्टोर में रखते हैं और उसमें जो वाटर लॉस है वो कम रहता है। तो ये जो हमने कुछ फंगस आपको दिखाई है जो फ्रूट्स के स्टोरेज के दौरान आ जाती है कई बार, तो ऐसा भी क्या है कई बार ये फंगस पहले ही फील्ड से आ जाती है तो वो अंदर कोल्ड स्टोर में वो एग्रीवेट कर जाती है बढ़ जाती है। तो इस पे पेंसिलियम मोल्ड आई हुई है। सो ये हमारा हमने काम किया था जो कल्टीवर पंजाब सॉफ्ट है उसकी लाइफ 30 दिन थी पहले जब हमने उसको कैल्शियम क्लोराइड 2% के सोल्यूशन में 5 मिनट के लिए डूब के रखा और उसके बाद उसको स्टोर किया 0 से लेके 1 डिग्री टेम्परेचर पर और 90 से 95% नमी पर। तो उसकी जो लाइफ है वो 60 दिन तक चली गई। तो कैल्शियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट से हम 60 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारी जो वराइटीज हैं उनका अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो नमी है और उसको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे पत्थरनाक है टेम्परेचर सबका सेम है, ह्यूमिडिटी सबकी सेम है, सबकी एक जैसी है, 0 to 1 degree centigrade टेम्परेचर है, 90 to 95% नमी है और जो स्टोरेज टाइम है वो डिफरेंट है। पत्थरनाक के लिए 60 दिन है, पंजाब ब्यूटी के लिए 60 दिन है, पंजाब सॉफ्ट और निजी सिक्की है उनको हम 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं।
सो आगे आता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज. आपने सुना होगा जिसको सीए स्टोरेज बोलते हैं, हिमाचल में बहुत कॉमन है, लोग इसमें एप्पल स्टोर करते हैं. सीए स्टोरेज में क्या होता है कि हम जो उसका वातावरण है उसको चेंज कर देते हैं स्टोर के अंदर का. जैसे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो इसके इससे फ्रूट की लाइफ बढ़ जाती है, फ्रूट की साह क्रिया में कमी आ जाती है. पर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ानी है या ऑक्सीजन कम करनी है उसकी भी लिमिट्स होती हैं अलग अलग फ्रूट्स के लिए अलग अलग. अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें भी फ्रूट्स का नुकसान हो जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर लेवल और ऑक्सीजन का कम करके भी हम इसकी लाइफ जो है फल की बढ़ा सकते हैं. बट ये थोड़ी हाई टेक्नोलॉजी है, ये ट्रेडर्स ज़्यादातर हिमाचल में यूज़ करते हैं जो बहुत सारा बल्क में एप्पल स्टोर कर सकते हैं. तो आप पेयर में भी यूज इसको लाइफ हो सकती है. सो जो सीए स्टोरेज है उसके लिए वो है, एक तो ये साह क्रिया में कमी कर देती है, दूसरा जो एथिलीन है जो फूड को पकाती है ये गैस, इसमें कमी हो जाती है और जो फूड है उसकी ठोसता बनी रहती है. और सो इसमें जो चिलचिलिंग इंजरी के भी कम हो जाते हैं, जो डायरेक्ट जो पोस्ट हार्वेस्ट जो कटाई के बाद बहुत सारे बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, जब हम ऑक्सीजन का लेवल कम कर देते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है उनका बढ़ावा है वो भी कम हो जाता है. तो जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं जो सीए स्टोरेज है उसमें प्रॉब्लम भी बहुत आ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है कहीं बहुत कम ना हो जाए और जो ऑक्सीजन का लेवल जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बहुत बढ़ ना जाए. अगर इन दोनों में इम्बैलेंस हो गया तो उसमें फ्रूट के ऊपर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. जैसे फ्रूट की जो पकाई है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, एक एक सप्ताह में उसकी पकाई नहीं हो पाती और उसमें से कहते हैं कि फर्मेंटेशन हो गई, फ्रूट खराब हो गया, उसमें से बहुत एक खराब स्मेल आनी शुरू हो जाती है, फ्रूट का टेस्ट खराब हो जाता है, फ्रूट में बिटरनेस हो जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए अंदर. सो अगर हमने सीए स्टोर करना है तो हमारे पास जो सेंसर्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का लेवल स्टोर के अंदर देखते हैं वो सेंसर्स बिल्कुल सही होने चाहिए. अगर कहीं भी वो अपना काम करना छोड़ गए तो हमारे फूड की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है. सो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो राइपनिंग टेक्निक, जो नाशपाती में हम पकाई करते हैं. जब हम नाशपाती तोड़ते हैं तो फल से उसका रंग भी हरा होता है, हल्का सा पीला होता है और बहुत हार्ड होता है. तो नाशपाती की अगर थोड़ी हम इसको पका लेते हैं तो इसका बहुत ये सॉफ्ट हो जाती है, इसका रंग भी गोल्डन येलो हो जाता है. जो ऐसी नाशपाती है ना ये मार्केट में बहुत बिकती है, क्योंकि जब हम जैसे हम यहाँ से फ्रूट तोड़ते हैं तो सारा फ्रूट वेस्ट बंगाल कलकत्ता में सेल होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे नाशपाती की मेन मार्केट है. तो वहाँ पे हम अगर नाशपाती का गोल्डन येलो पर्पल कलर करके भेजते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत मार्केट रेट मिलता है. इसलिए हमने PAU में ये काम किया था कि इसको कोई केमिकल नहीं लगाया था. जैसे हमारी पंजाब ब्यूटी वरायटी है, एक पत्थरनाक वरायटी है, दोनों को हमने एक को 3 दिन के लिए और दूसरी को 4 दिन के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर पे रखा था. और उसके बाद 3 दिन के बाद उनको हमने 3 दिन के लिए ही 20 डिग्री टेम्परेचर पे रख दिया था. और ऐसा करने से जो नाशपाती है वो सॉफ्ट भी हो गई, उसका कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन येलो बन गया और उसका जो टेस्ट था वो भी काफ़ी अच्छा बन गया था. और साथ में हमने इसमें कोई दवाई या कोई केमिकल नहीं बरता और ये टोटली सेफर टेक्निक थी जो उसकी क्वालिटी डेवलप करने के लिए हमने नाशपाती की क्वालिटी बनाने के लिए की. और एक हमने और नाशपाती की जो पकाई की थी उसके लिए हमने एथिकोन यूज़ की, क्योंकि जो एथिकोन गैस है ये परमिसिबल है, इसको सरकार से मानता है, हम बच सकते हैं इसको फूड पकाने के लिए. पर इसके लिए हमें थोड़ी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है. एक हमें एथिकोन जनरेटर चाहिए जो गैस जनरेट करता है, छोटा सा जनरेटर होता है वो हमें चाहिए. और दूसरा एक हमें पूरा सील्ड चैम्बर चाहिए जिसमें हम फूड को पका सकें. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 100 PPM एथिलीन गैस को अगर हम 24 घंटे के लिए फूड को एक्सपोज करते हैं, फूड को 24 घंटे के लिए 100 PPM एथिकोन गैस में रखते हैं एट 20 डिग्री टेम्परेचर पे, तो इसमें फ्रूट को है वो 4 दिन में पक के तैयार हो जाता है बिल्कुल गोल्डन येलो कलर का. तो ऐसे जो फ्रूट की जो पकाई है नाशपाती की या इसको क्वालिटी डेवलप करनी है तोड़ने के बाद तो हम कर सकते हैं ताकि हमें मार्केट में अच्छा रेट मिल सके. जो नाशपाती है उसमें स्टोरेज
और पकाई और कढ़ाई, ये दो तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो इसलिए हैं कि जैसे हमारे नाशपाती जो है मेन जुलाई में इसकी कढ़ाई होती है, और आगे जाके सितंबर में जब दुर्गा पूजा शुरू होती है तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है इसकी वेस्ट बंगाल में। तो हमारा पंजाब का ज्यादातर फ्रूट वेस्ट बंगाल में जाता है, इसलिए हम उसको 50-60 दिन के लिए स्टोर कर लेते हैं। ये हमारी टेक्निक्स काफी कामयाब हो रही है स्टोरेज की, तो इससे आप काफी अच्छा रेट ले सकते हैं वहां पे, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा रेट में वहां से आपको मिल जाता है। तो आप भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।